हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम झुमकी बनर्जी है और आज झटपट आइसक्रीम बनाएंगे। बिस्कुट आइसक्रीम मात्र 5 मिनट में, चलिए बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए। कोई भी बिस्कुट लीजिए, मैंने हार्ड एंड सिक लिए और व्हिप क्रीम, अगर आपके पास लिक्विड व्हिप क्रीम ना हो तो इस तरह से रखिए। मैं इस तरह से व्हिप क्रीम ज़्यादा यूज करती हूँ, ये सूखा होता है, आपको जितना जरूरत है उतना लीजिए। और चिल्ड दूध, चिल्ड दूध भी ले सकते हैं, चिल्ड वाटर भी ले सकते हैं, ठीक। और आइसक्रीम, बिस्कुट आइसक्रीम में आप बिस्कुट भी अपने चॉइस के ले सकते हैं। ये आधा लिए हैं, पहले भी हम ये व्हिप क्रीम यूज़ किए हैं तो आधा बचा था, थोड़ा बहुत बचा था, आधा मतलब थोड़ा बहुत। और इसमें थोड़ा से पानी, सॉरी दूध। अब इसको व्हिप करेंगे, सॉफ्ट पीक आने तक इसको व्हिप करना है। और फ्रेंड्स, ये आप 6 बजे बनाएंगे तो रात को 9 बजे डिनर के टाइम आप आराम से खा सकते हैं, और इतना टेस्टी होता है ना। आपके पास विस्कर है तो विस्कर से कर दीजिए, अगर इस तरह से लिक्विड बीटर नहीं हो तो विस्कर से यूज कर सकते हैं। देखिए, हम आधा कप ठंडा दूध दिए, चिल्ड दूध, जितना चिल्ड दूध दीजिएगा या चिल्ड पानी उतना अच्छा है, व्हिप क्रीम अच्छा से पीक निकलेंगे। मात्र 5 मिनट में बिस्कुट आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। देखिए, इस तरह का पैपिंग बैग बाजार में मिलता है आराम से, केक शॉप में, जहाँ केक के हर मटेरियल मिलता है वहाँ मिल जाएगा। नहीं हो तो दूध की थैली होता है प्लास्टिक वाला, उसमें भी इस तरह से लगा लीजिए ग्लास में और इसको इसमें डालिए। थोड़ा सा चम्मच बड़ा हो गया मेरा, और थोड़ा सा डाल देते हैं। कैंची के सहारे से काट लेंगे, छोटा सा छेद कीजिएगा, ज्यादा बड़ा नहीं। और देखिए, देख अच्छी तरह से निकल रहा है। अब इस तरह से एक हाइड एंड सीक बिस्कुट लिए, उसके ऊपर इस तरह से आप इसको लगा दीजिए। और वास्तव मानिए फ्रेंड्स, इतना अच्छा आइसक्रीम होता खाने में और इतने जल्दी ये जम भी जाता है। आप कोई सा भी आइसक्रीम बिस्कुट ले सकते हैं, जो इसे हाइड एंड सीक लिए इसीलिए कि इसमें चॉकलेट चिप्स है। और ये पाउडर व्हिप क्रीम है, मेरे पास था तो हम लोग इसकी पहले यूज कर लेते। इसके ऊपर ये इसको ऐसे रख देंगे, बस इस तरह से सब कर लेंगे। उसके बाद फ्रिज में इसको रख देंगे, 2 से 3 घंटे में ये जम जाता है।
देखिए आइसक्रीम बिस्कुट तैयार हो गया। आप भी घर में ऐसे बनाइए एकदम इस तरह से। कोई भी आइसक्रीम लीजिए, बीप क्रीम को बीप करके उसमें इस तरह से आप डाल के फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दीजिए, आइसक्रीम बिस्कुट आइसक्रीम रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इतने बार बोलते हैं लेकिन कोई भी कमेंट्स नहीं करते। आप भी बनाइए घर में खाइए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल की घंटी जरूर बजाइए।